देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। वहीं इस बीच राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी भी लगातार जारी है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग को एक अलग राज्य बनाने की मांग केंद्र सरकार के पास रखेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को बांटने की ये मांग पहली बार नहीं हुई है। ऐसे में आज हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और यूपी को कई राज्यों में बांट दिए जाने पर इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश को कई राज्यों में विभाजित करने के बाद आज से लगभग 13 साल पहले 21 नवंबर 2011 में विधानसभा में एक प्रस्ताव के जरिए सामने आई थी। इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करने की बात रखी गई थी, जिसमें राज्य को बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव था। हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। बता दें कि हमारे देश में संविधान में नए राज्य बनाने के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और केंद्र सरकार किसी भी राज्य का क्षेत्र बिना किसी राज्य की सहमति से बढ़ा या घटा सकती है और इसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, यहाँ तक कि वह किसी भी राज्य का नाम तक बदल सकती है। वहीं अगर कोई राज्य अपने क्षेत्र का विभाजन करना चाहता है तो इसके लिए राज्य की विधानसभा को पहले नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पास करना होता है और फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसके बाद इस पर केंद्र सरकार नया प्रस्ताव पारित कर सकती है। अब ये तो हुई संविधान की बात, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को कई राज्यों में बांट दिया जाए तो इससे होने वाले फायदे और नुकसान क्या होंगे, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश में आबादी के मामले में सबसे पहले स्थान पर आता है। अगर उत्तर प्रदेश को एक पूरा का पूरा देश मान लिया जाए तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। वहीं प्रदेश के विभाजन से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना कुछ हद तक आसान होगा, साथ ही प्रशासन को भी आम आदमी की समस्याओं को हल करने में आसानी रहेगी। इससे जनता और स्थानीय प्रशासन के बीच उचित तालमेल बैठ सकेगा, जिससे कि प्रदेश में अव्यवस्था को कम करने में भी आसानी रहेगी। वहीं अगर विभाजन होता है तो इससे प्रदेश के क्षेत्रीय विकास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और प्रदेश में भी आर्थिक विकास के नए रास्ते खुल सकेंगे। एक उदाहरण से समझे तो उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले संयुक्त उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों पर ध्यान देना कठिन था। वहीं उत्तराखंड में कृषि का रूप मैदान की तुलना में काफी भिन्न है और यहाँ की मुख्य समस्या सड़क की है, ना कि चकबंदी की, और यहाँ सिंचाई भी ट्यूबवेल से नहीं बल्कि नदी से होती है। ऐसे में संयुक्त प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो पैकेज दिया जाता था वो मुख्य राज्य के लिए दिया जाता था, ना कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए, और ऐसे में ये प्रदेश विकास के स्तर पर काफी पीछे रह जाते हैं, जिससे कि प्रदेश में संतुलन बना रहे। वहीं यूपी का विभाजन हो जाने पर सामने आने वाली समस्याओं को जानने के लिए भी सबसे पहले एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कई छोटे राज्य हैं, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, लेकिन विकास की दृष्टि से ये राज्य काफ़ी पिछड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी काफ़ी विकसित राज्य है। छोटे छोटे राज्यों के उदय से छोटी पार्टी का विकास होता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता होने का खतरा बना रहता है। वहीं नए राज्यों के निर्माण से सीमा विवाद, नदी जल विवाद आए दिन देखने को मिलते हैं। जैसे कि तेलंगाना राज्य के निर्माण से आंध्र और तेलंगाना के बीच आए दिन कृष्णा नदी जल विवाद देखने को मिलता है। इस तरह की स्थिति से राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कमी आती है और इस पर विश्लेषकों का भी कहना है कि राज्यों का विभाजन हमेशा भौगोलिक और आर्थिक हितों के अनुरूप होना चाहिए, ना कि राजनीतिक हितों के अनुरूप। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। आप यूपी के विभाजन से जुड़ी मांगों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।